तो क्या हालचाल है। हेलो यार दोस्तों, तो तुम लोग को तो यार एक चीज़ तो पता होगी ही कि हमारे चैनल पे एक माइलस्टोन हिट हुआ है। और वो कितने का हिट हुआ है वो तुम लोग को बता देता हूँ। वो है 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए अब तक का। तो इसके ऊपर एक Q&A वीडियो तो बनता है। और तुम्हें पता ही होगा कि मैंने कम्युनिटी टैब पर डाला था Q&A वीडियो के बारे में, तो तुम लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाकर लाइक्स की बारिश करो। और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यार, हमारा नॉर्मल गोल जो होता है वही रखते हैं 200 लाइक्स का। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्यारे से बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का नोटिफिकेशन दबाओ ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स तुम लोगों को पता चले। और दोस्तों तो चलो अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ और फटाफट से इंट्रो लगाता हूँ और लेट्स गो। तो दोस्तों तो आज के पहले कमेंट के ऊपर बढ़ते हैं जो पूछा है मूलचंद गोसालवी ने। तो सॉरी अगर मैंने तेरा नाम गलत लिया। तो हाउ डू यू थिंक टू मेक अ यूट्यूब चैनल ऑन पोकेमोन प्लीज टेल। तो भाई देख, मेरा सिंपल सा फंडा है, मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया। सो मैं पहले किसी और कंटेंट पे चैनल चलाता था मेरा, फिर मतलब वो चीज़ मैं तुम लोग वो स्टोरी में बाद में सुनाऊँगा। तो मतलब उसने कहा कि यार देखो सब पोकेमोन्स के बारे में पता है तो लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं पोकेमोन्स के बारे में, तो यार तू भी बना दे एक दो वीडियो और देख ले, अगर चल रहा है चैनल तो मतलब फिर आगे ग्रोथ करते रहेगा तो बस चलाते रहे। तो इसी की वजह से मैंने पोकेमोन के ऊपर चैनल कंटिन्यू किया मतलब बनाया। ओके तो दोस्तों तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिस जो पूछा है जुप शुप शॉक ने। तो वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एज। अगर अपना क्वेश्चन नहीं लिया तो मतलब आप एक असली पोके फैन नहीं हो भाई। ऐसा नहीं, मैंने कहा था सबका क्वेश्चंस लूँगा। तो मेरा जो एज है वो है 17। यस, मैं राइट नाउ 17th में हूँ, ठीक है। और थैंक्स फॉर कमेंटिंग क्वेश्चन पूछने के लिए। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है सुपर लाटियाज एंड लाटियाज ने। तो वो है फर्स्ट योर बेस्ट फ्रेंड, सेकेंड फेस शो अस, थर्ड फेवरेट पोकेमोन और फोर्थ विच क्लास। सो सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड ऑन यूट्यूब मेरा पोकेमोन वाई है। फेस रिवील की बात करो यार तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक दे दी है मेरे इंस्टाग्राम की, जहाँ पे मैंने मेरे खुद के फ़ोटोज़ अपलोड किए, तो तुम लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। वरना इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी रहेगा मेरे पास मेरा डिस्क्रिप्शन में। और फेवरेट पोकेमोन वो है स्केप्टाइल। और मेरा मैं किस क्लास में हूँ, मैं हूँ 12th में, ठीक है 12th में। यानी मैंने अभी 12th अपियर किया, यानी मैंने अभी एग्ज़ाम दे दिया था 12th का। ओके तो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं वो एनिमे टून्स इंडिया। सबसे पहला क्या कैसे ग्रो किया भाई, मतलब डेली वीडियोस डाल के ग्रो किया, बहुत रगड़ के ग्रो किया। फेवरेट फ्रेंड ऑन यूट्यूब बहुत सारे फ्रेंड हैं, जैसे पोके डूपर, पोके निंजा एक्स, पोके मनर वाई, पोके विलजी, सुपर डुपर हिंदी, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। GF का नाम कोई GF नहीं है अब तक। कौन सा क्लास, अभी भी 12th अपियर किया मैंने, यानी एग्ज़ाम दिया अभी भी 12th की। मेरे को पहचाना कोलैब करेगा, हाँ भाई तेरे को पहचाना कोलैब, अभी मैं बोल नहीं सकता यार, अभी मैं किसी के साथ भी कोलैब करने नहीं वाला, मतलब कोलैबोरेशन थोड़े रोक के रखे। तो अगला क्वेश्चन है पोके डुपर हिंदी के पास से, जो कि बहुत अच्छी यूट्यूबर है, हु इज़ योर इंस्पिरेशन। भाई मेरी इंस्पिरेशन है सुपर डुपर हिंदी, वो मेरी इंस्पिरेशन है। हु इज़ योर राइवल। तो राइवल अब तक मेरे को कोई ऐसा राइवल नहीं मिला यूट्यूब पे, लिटरली बता रहा हूँ पोके ट्यूबर्स में। व्हाट इज़ योर ड्रीम, भाई मेरी ड्रीम है कि अपने चैनल के नाम का एक सिल्वर प्ले बटन होगा, जो यार तुम लोगों की वजह से ही कम्प्लीट हो सकता है अगर तुम्हारा बहुत अच्छा प्यार होगा तो। तो आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते जो पोके रेस्क्यू ने दिन में कितने, ओ फक ये नहीं आंसर दूंगा। क्या फेवरेट हीरोइन श्रद्धा, US वेबसाइट पर गए हो, हाँ मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा और इस बार मेरा क्वेश्चन लेना नहीं, तो फिर मैं शॉर्ट आउट देना पड़ेगा। हाँ भाई मैंने पिछली बार तेरे क्वेश्चन ही नहीं लिया था,
पिछले QNA में, तो थैंक्स फॉर क्वेश्चनिंग और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था जो मैं आंसर नहीं दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो है पोकेट्यूबर सुप्रीम ने बिल्ली वाला मास्क कब हटाया, नया चेहरा लाया। हाँ भाई, वो हटा दिया, उससे वीडियोज़ बनाने में मज़ा आती थी। मज़ा या पैसा? मज़ा। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है मैं? ओके ठीक है, मेरे को नहीं पता। छोटा पोकेट्यूबर की वीडियो देखते हो? हाँ भाई देखता हूँ। फेवरेट छोटा पोकेट्यूबर पोके निंजा एक्स। सबसे मुश्किल क्वेश्चन इस दुनिया का, कौन सबसे पहले आया, अंडा या मुर्गी? मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त लोग बोलते जो ऑर्डर किया वो पहला। ओके सो लेट्स मूव ऑन। पोकेमॉन थ्योरीज क्यों है? व्हाई यू चूज पोकेमॉन नॉट एनी अदर एनिमे? क्योंकि यार मेरे को पोकेमॉन के बारे में बहुत नॉलेज है, तब बहुत पता है, इसलिए पोकेमॉन ही चूज किया। विल देयर बी जिम्स इन गेलार? यस आई नो देयर विल बी जिम्स इन गेलार, क्योंकि उसके मैप में ही जिम्स दिख रहे हैं, तो मतलब देख सकते हो। मीटअप कब करेगा? भाई मीटअप करने का बहुत इरादा है, बट यार मतलब बहुत सारे जन कहीं और पे रहते ना, तो यार मतलब मीटअप का सोच नहीं पाता, तो देखेंगे कभी तो करेंगे मीटअप, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है पूजा मेहता। QNA, हु इज योर फेवरेट पोकेमॉन फॉर एवर? बोल नहीं सकते यार, बहुत सारे पोकेमॉन से, बट अगर पूछ ही रहे हो तो स्केप्टाइल, चार्जार्ड, मतलब बहुत सारे यार, बहुत सारे, बोल नहीं सकता। तुम्हारे हिसाब से सबसे बेकार पोकेमॉन कौन है? मैं ऐसे मतलब ऐसे रिलेट नहीं करता, मतलब बेकार बेकार को, मतलब अच्छे ही है सब पोकेमॉन से। ओके सो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विभा कुमारी #QNA, व्हाट इज़ योर फेवरेट वीडियो? अगर तुम मेरे चैनल के वीडियोज़ में से पूछ रहे हो या फिर पूछ रही हो, तो वो है टॉप 5 फाइटिंग टाइप ऑफ एश, जिसने मुझे इधर तक लाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोके निंजा एक्स, भाई रैपिड फायर है, मॉम या डैड दोनों, BF या BB, क्या पता, निंजा या विला? देख यार मैं ऐसे किसी को बोलने नहीं वाला, क्योंकि अगर किसी का नाम लूँगा तो दूसरे के साथ झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों, पोके ट्यूबर या गेमर? पोके ट्यूबर मैं या तू? यू ऑब्वियसली। काला चश्मा वाला इमोजी या काला इमोजी? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ेगा भाई, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा यार। और मैंने सोच के ये बात निकाली कि आई विल गो फॉर काला इमोजी। ओके सो मैं रुक गया था थोड़ी देर, तो आगे पढ़ते हैं। आगे है पोकेमॉन एक्स किंग, तुमने यूट्यूब में सबसे पहले कौन सा यूट्यूबर अच्छा लगा? देख भाई मैं पहले कौन सी तो अलग फील्ड का था, मतलब तभी मैं टेक्निकल ही था, मतलब मुंबई का निखिल, टेक्निकल गुरुजी, ऐसे सब यूट्यूबर्स मेरे को पसंद थे, और उसके बाद बाकी अलग ग्रिकी रंजीत, ये सब लोग मेरे को पसंद थे। फिर पोके ट्यूबर्स की लाइन में आने के बाद सुपर डुपर हिंदी, फिर गैलेक्टिक गर्चौम, ऐसे लोग पसंद आने लगे, ठीक है भाई, तो यही है मेरा। तो अगला क्वेश्चन है फ्रिकी मिमी की तरफ से, 12th में कितने परसेंटेज मिलेंगे ऐसा लगता है? भाई देख यार मेरे हिसाब से 70 तक तो मिलने चाहिए यार, मतलब इतना भी पेपर नहीं लिखा है कि 80-90 बोल दो। हेड से क्या कैसे डील करते हो? भाई कुछ नहीं भाई, इग्नोर कर देता हूँ, बस इग्नोर, सीधा इग्नोर कर देता हूँ उन लोगों को, तो मैं तो बोलता हेटर्स रहेंगे ना तभी यूट्यूब चैनल चलेगा। क्या मुझे माफ़ कर इसके फिर से दोस्त में? अरे भाई मैंने तो कब का माफ़ कर दिया यार। खाली टाइम में क्या करते हो? देख यार खाली टाइम में या तो पबजी खेलता हूँ, या वरना मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहता हूँ दूसरे क्रिएटर्स का, ठीक है भाई। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, है रेवन ट्यूब ने पूछा है, व्हाई डिड यू स्टार्ट बिकम अ यूट्यूबर एंड व्हेन डू यू गोइंग टू फेस रिवील फॉर अस ऑफकोर्स? क्योंकि देखिए यार सबसे पहले तो मैं यूट्यूबर, मतलब पिछले साल से हूँ एक यार, तो फिर उसे 19 में बोला, तब मैं कोई और कंटेंट डालता था, मतलब मज़े के लिए डालता था, मतलब वीडियो बनाने का बहुत उत्साह बन रहता था मुझे, इसलिए डालता था। सो तभी से मैंने शुरुआत किया 18 से, फिर मैंने पहले मैं मतलब ये नहीं था, मतलब पूरा श्योर नहीं था, बस मैंने लाइट ले लिया को, फिर 2018 में पता चला YouTube कितना हार्ड है, तो उसके बाद बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन पूछा है और नूरुद्दीन खान ने,
तेरा चैनल का नाम ऐसा क्यों है भाई? देख मेरे चैनल का नाम देख भाई, मेरे चैनल था वो था पोकेमॉन हिंदी ऑफिशियल, ऐसा कुछ मेरा नाम था। फिर मैंने एक जन के साथ कोलैबोरेट किया तो उसने मेरे को बताया कि ये वाला नाम रख दे, ये वाला अच्छा होगा, जो कि था पोकेवेक्स हिंदी। सो वो जिस शख्स ने बताया था वो था पोकेमॉन थियरीज, तो उसका भी चैनल लोग चेक कर सकते हो। तो मतलब पोकेमॉन थियरी सर्च कर दो आ जाएगा, वरना मैं चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन है पोके नॉलेज हिंदी ने QNA, योर फेवरेट गेमर। देख मेरा फेवरेट गेमर है सोल मोर्टल और डायनामो क्रॉन्टन, बहुत सारे यार। योर फेवरेट पोकेमॉन गेम एश ग्रे, जो भी मैं फिलहाल खेल रहा हूँ। मार्वल के मूवीज देखते हो? इफ येस देन योर फेवरेट कैरेक्टर। सो माई फेवरेट कैरेक्टर इज थॉर, आयरन मैन, हल्क, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, मतलब कहते हैं सब सब है, बट अगर फिर भी पूछो तो इन्फिनिटी वॉर में से थॉर है, मतलब इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर मेरा कैरेक्टर है अब तक का, क्योंकि उसका स्टॉर्म ब्रेकर और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मायोनियर से। और फेवरेट गेमर तो बोल सकते हैं यार सोल मॉर्टल, क्योंकि मॉर्टल और डायनामो मेरे को दोनों पसंद है, बट मैं अगर बोलूँ तो सोल मॉर्टल डायनामो से थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है? सो डायनामो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डायनामो मेरे भाई मेरे मतलब मेरे एरिया मेरे एक स्टेशन दूर रहता, मतलब बाजू में ही रहता है यार, बाजू में एकदम बाजू में नहीं रहता, मतलब पास में ही रहता है, बट उसका घर मेरे को पता नहीं, ठीक है? सो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हितवी पनवाल ने, अगर नाम गलत लिया हो, ये तो गलत लिया ही है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। हैशटैग QNA, आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो पोकेमॉन की गेम खेलने में? EX, पोकेमॉन फायरेट वर्जन एक्सेट्रा। ओके शो देख यार, देख देख मतलब जो भी है, ओके तो मैं एम्यूलेटर पे खेलता हूँ, PC पे, मतलब मेरे लैपटॉप पे, ठीक है? जिस पे मैं इंस्टा FB सब कुछ चलाता हूँ उस पे, व्हाट्सअप, ठीक है? जिसमें तुम लोगों को मैसेजेस भी देखने को मिलते होंगे, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन पूछा है पोके फैन MT ने, फेवरेट एनिमे पोकेमॉन से अलग? ड्रैगन बॉल सुपर है मेरा फेवरेट एनिमे अगर देखा जाए तो, और फिर ड्रैगन बॉल हीरोज भी बोल सकते हो यार। और कमेंट में गाली आती है क्या भाई? देख अब तक तो मुझे गाली नहीं आई है कमेंट में, मतलब अभी उतने इस पे नहीं आए, अभी कमेंट में गाली आ जाए। सो देखेंगे अगर कब गाली आएगी ना कमेंट में, मैं तेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजूँगा। और भाई इस बंदे का भी चैनल चेकआउट करना, पोके फैन MT नाम है। सो ये कितवा कमेंट था मेरे को अब भी याद नहीं यार, टोटल 35 कमेंट्स थे इतने पता है मुझे। तो आगे का कमेंट पढ़ते हैं जो है सुषमा वर्दे की तरफ से, फेवरेट मेगा जी मूव पोकेमॉन गेम ट्रेनर एंड पोकेगर्ल। सो मेगा मेगा रेक्वेजा चारिजार्ड XY ज़्यादा अच्छा लगता है। जी मूव मैंने सन एंड मून इतना नहीं देखा, तो जी मूव के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं। पोकेमॉन गेम एश ग्रे बेस्ट है अब तक का मेरे को लग रहा है। सो मतलब जो सब लोग खेल सकते हैं उसमें से बोल रहा हूँ एश ग्रे। और ट्रेनर में मुझे पसंद बहुत सारे ट्रेनर्स यार, बता नहीं सकता। और पोकेगर्ल में तो पसंद है यार अपनी प्यारी सरीना किसको नहीं पसंद यार। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोके सुपर हिंदी ने, हु इज योर राइवल? देख यार मेरे को राइवल अब तक कोई नहीं है यूट्यूब पे। हुज योर बेस्ट फ्रेंड ऑन यूट्यूब? वो ये बंदा है जो है पोकेमॉन हुआ है भाई, ये बंदा क्या बोलो यार इस बंदे के बारे में यार, इसने मेरे को बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस में भी मेरे को सपोर्ट किया यार, इसलिए ये मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है अब तक का यूट्यूब पे, ठीक है गाइस? सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिफिक टायरेनेटर नाम बहुत अच्छा है, वीडियो को एडिट कैसे करते हो? मैं वीडियो को एडिट मेरे मोबाइल में करता हूँ, ऐप का नाम है काइन मास्टर प्रो। तो यार तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है उससे आप कर सकते हो, ठीक है? तो मैं काइन मास्टर प्रो से एडिट करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यामीन असारी, नाम गलत लिया तो सॉरी, फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन? मेगा रेक्वेजा मेरा फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस,
ओके, मेगा रेक्वेजा मेरा फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन है। तो सबको बता दूँ, मेगा रेक्वेजा मेरा फेवरेट मेगा इवोल्यूशंस में पोकेमोन है, वो आता है लिस्ट में। तो अगला है निशु पांडे की तरफ से, QSA, मेरे को पता नहीं है क्यों लिखा, गलती से लिखा होगा। फर्स्ट पोकेमोन कौन है जो सबसे पहले बनाया गया था? सो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहला पोकेमोन बनाया गया था, तो तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा, पर यस, राइडन को सबसे पहले बनाया गया था, यानी क्रिएट ड्रॉ मतलब बनाया गया था सबसे पहले पोकेमोन कंपनी के द्वारा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मशरूम वैद्य, देखो यार मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदी है, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। योर नेम, मेरा नाम भूषण है, आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई में रहता हूँ। आपकी एज 17 है। आपका मोटिवेशन कौन है? मेरा मोटिवेशन है सुपर डुपर हिंदी, यार बहुत मोटिवेशन मिलता है उनके देख के। फेस रिवील कब करेगा? अभी करो भाई। अगर फेस रिवील देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक वरना मेरा यूज़र आईडी दिया होगा इंस्टाग्राम का, अगर यूज़ करते हो तो जाके देखो। मेरा थोपड़ा इधर इतना ही अच्छा है, तो मेरा थोपड़ा तुम लोग को लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, उधर के इधर के सब जगह पे बता देना। तो सबके लिए बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने फेस रिवील का क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहला या तो लिंक होगा वरना मेरा यूज़र आईडी होगा इंस्टाग्राम का, तो वो यूज़र आईडी देना, या फिर लिंक रहेगा तो डायरेक्टली चले जाना, उससे तुम लोग को मेरा फेस दिख जाएगा उसके ऊपर, ठीक है? सो ये रहा फेस रिवील, जाओ करो। डायरेक्ट वीडियो में तो नहीं करने वाला। एरसन, देखो यार मेरे को ये प्रोनाउंस करने तो हो ही नहीं रहा यार, सो प्लीज़ मेरे को प्रोनाउंस करना सिखाओ। विच सिटी डू यू लिव? मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम भूषण है। हाउ मेनी पोकेडिवर्स यू लाइक? नेम बता उन सब का। निंजा, पोकेमोनर वाई, पोकेमोनर एक्स, पोकेमोनर एक्स वाई, फ्रीकिंग मिमिक्यू, ओमकार पीएम, पोकेविला जी, सुपर डुपर हिंदी, गैलेक्टिक गार्चम, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो राइवल ऑन यूट्यूब कोई नहीं है अब तक राइवल, तो सबको बता दूँ जिन लोग ने ये कमेंट किया कि राइवल कौन है यूट्यूब पे, तो मेरा अब तक कोई भी राइवल नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड ऑन यूट्यूब पोकेमोनर वाई मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है अब तक का यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है जब मैं डिमोटिवेट होता था, ठीक है। तो फेस रिवील कब करेगा? डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है इंस्टाग्राम का, वरना यूज़र आईडी होगा, जाके फॉलो करो, तो अब तुम लोगों मेरा थोबड़ा दिख जाएगा उसमें। भाई तुम को मैं पसंद हूँ कि नहीं प्लीज़ बताओ? भाई मेरे को सब पसंद है, सब लोग की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन लोग ने आज की Q&A की वीडियो में कमेंट किया था, ओके। सो आगे का वीडियो बोल रहा हूँ क्या है, मतलब जो भी है, कनाओ मस्ती का बचिया। सो पोकेमोन सारा पोकेमोन है जो तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, मेगा स्केप्टाइल, ओके। नेक्स्ट है सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो बहुत ही अच्छे से आ रही है और मुझे करने नहीं दे रही है। कभी पबजी खेला है तो प्लीज़ गिव योर यूज़र नेम, तो तुम लोग को दिख रहा होगा अभी यानी स्क्रीन पे, तो वो है यूज़र आईडी दांत क्या वीक में कितने ठंड में वीक में कितने बार नहाते हो? भाई यार कभी कुत्ते पीछे पड़े हैं? हाँ पड़े हैं, जब मैं छोटा था तब पड़े हैं कुत्ते मेरे पीछे। योर राइवल इन यूट्यूब बताना पड़ेगा? भाई बताने की ज़रूरत नहीं यार, अब तक कोई भी राइवल नहीं है मेरा यूट्यूब पे, सबको बार बार वही बता रहा हूँ, मेरा राइवल कोई नहीं यूट्यूब पे, ओके। सो नेक्स्ट है पोकेमोन वर्ल्ड से, स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मल टाइप पोकेमोन आफ्टर आर्सियस, म्यू, एब्सोल्युटली वो म्यू ही होने वाला है, क्योंकि आर्सियस के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट है नॉर्मल टाइप्स में, ऐसा मैं सोचता हूँ, तुम लोग क्या सोचते हो मुझे पता नहीं यार, तो कमेंट देना। योर राइवल ऑन यूट्यूब बताना पड़ेगा? भाई राइवल मेरा अब तक कोई नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। योर फ्रेंड ऑन यूट्यूब बताना पड़ेगा? भाई मेरा फ्रेंड है यूट्यूब पे, बहुत सारे फ्रेंड है, अगर बेस्ट फ्रेंड के मानो तो वो है पोकेमोनर वाई, उसके बाद आता है फ्रीकिंग मिमिक जो है ओमकार पीएम, वैसे वैसे लोग हैं उसके नीचे नीचे जाते, ठीक है। सो उसके आगे है हाउ
हाउ यू फीलिंग 10K सब्सक्राइबर? भाई मेरे को लगा नहीं था कि मैं ये इधर तक पहुंच पाऊंगा, मतलब मेरे थे तब भी नहीं पता चला, नहीं लग ही नहीं रहा था यार कि मैं कर पाऊंगा। ओके, तो मैं रो पड़ा था 10K पे। एनीवेज़ फॉर हेटर्स, ऐसी ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो क्योंकि हेटर्स की वजह से तो चैनल बढ़ता है। एनी मैसेज टू स्मॉल पॉकेट यूबर्स? बस इतनी क्वेश्चन काफ़ी है। देखो, मेहनत करो, स्मॉल पॉकेट यूबर्स को यही सारी, मतलब स्मॉल पॉकेट यूबर्स को बस इतना ही कहना है कि भाई लोग अभी मत मेहनत करो। सो अभी आगे एक जन का कमेंट लेना है जो लास्ट में रखा, वो है पोकेमोनर वाई। सो ये मेरा फेवरेट दोस्त है तो इसका कमेंट मैंने लास्ट में रखा ताकि ये अंत तक मेरा वीडियो देखे। सो इसके कमेंट यानी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पबजी कितना खेलते हो दिन में? देख, मैं पबजी ज़्यादा नहीं खेलता, हार्डली 1.5 घंटा खेलता हूँ जिसमें 2 मैचेस हो जाते हैं क्लासिक के। कभी खुशी में डांस किया है जब चिकन डिनर मिला? एब्सोल्युटली नहीं, कभी नहीं डांस किया यार, ऐसे पागलपंती नहीं किया मैंने। तेरे सबसे अच्छा दोस्त कौन है पॉकेट यूबर्स में? मैं स्टार्टिंग से वीडियो में कह रहा हूँ, पटाखे फूट रहे हैं मेरे बाजू में, कि तू ही है मेरा फेवरेट पॉकेट यूबर। सब मैं भाई कहते मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है यार, पीछे पटाखे फूट रहे। सो यार दैट्स ऑल यार, इतने सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपका क्वेश्चंस मिस हो गया रहेगा, अगर नहीं लिया तो बुरा मत मानना, क्योंकि तुम लोग ने या तो पूछा होगा कि योर राइवल ऑन यूट्यूब या फिर योर GF, योर ऐसा कोई क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा होगा, इसलिए मैं नहीं लिया होगा क्वेश्चंस। तो मैं उन सबको अभी शॉर्ट आउट दे रहा हूँ जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा राइवल कौन है। सभी मेरे को पता नहीं उनके नाम, तो उन सबको शाउट आउट। और मुझे फिर से तुम लोग के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इधर तक पहुँचा हूँ यार। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी क्योंकि आज वो जो फटाखे फूट रहे मेरे, ठीक है, तो उन सब बातों के लिए अलग रखता हूँ यार, 3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ ये। सो मेहनत के लिए थैंक्स यार, ऐसी सपोर्ट करते रहना ताकि हम लोग 50K और 100K तक पहुँच पाए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना और